दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। ये क्यूआर कोड क्या होता है या फिर दोस्तों आप अपने फ़ोन से किसी भी क्यूआर कोड को कैसे स्कैन कर सकते हैं। इवन दोस्तों अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और अगर उसमें क्यूआर कोड है तो उस क्यूआर कोड की मदद से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वो सामान जो है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। तो बहुत सारा फ़ायदा होता है दोस्तों क्यूआर कोड का। तो आइए इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यूआर कोड जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। दोस्तों एकदम सिंपल भाषा में समझे अगर हम तो डिजिटल दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह तक क्विक पहुंचाने का काम करता है क्यूआर कोड। आइए इसको और भी आसान बनाते हैं और एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका एक जूते का दुकान है और आपके दुकान में चार अलग अलग जो है डिजाइन है ABCD, ठीक है, और हर एक डिज़ाइन का अलग अलग जो है पैरों का साइज है 6 से लेकर 10 तक। तो आपने क्या किया, हर एक साइज के लिए अलग एक कोड बना दिया, जैसे A6, A7, A8, A9 और A10, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से उस प्रोडक्ट को पहचान पाएं। अब आपके पास एक कस्टमर आता है और वो बोलता है भैया मेरे को D डिज़ाइन का 8 नंबर साइज निकाल दो। तो आप क्या करेंगे, D8 निकाल के उसको डायरेक्टली दे देंगे। तो इससे क्या हुआ कि आप अगर कोड आपने बना रखा है तो एग्जैक्ट कस्टमर को एग्जैक्ट आपने प्रोडक्ट दिया। इसी तरह से दोस्तों क्यूआर कोड भी काम करता है। अब क्यूआर कोड के अंदर दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस या फिर अपने वेबसाइट URL, या फिर आप इवन दोस्तों आप उससे पेमेंट कर भी सकते हैं या फिर पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ आप इससे कर सकते हैं क्यूआर कोड की मदद से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ठीक है भैया अब हम इसको स्कैन अगर हम करना चाहें तो अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो रुक जाओ भैया, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आपको चलना होगा प्ले स्टोर पर और मैं वहाँ से आपको इंस्टॉल करके अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम अपने फ़ोन के अंदर आ चुके हैं और सिंपली से अभी हमको क्या करना है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों क्यूआर कोड स्कैनर, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर जो एप्लीकेशन है सिंपली से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, आप जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इसका स्कैनर वाला कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और आपको जहाँ भी क्यूआर कोड स्कैन करना है सिंपली से आपको उसको ऊपर रख देना है, ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा और आपको उसका जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आइए इसको हम करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम इसको स्कैन करते हैं। इसको चलिए हमने इसको ओपन किया और अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्यूआर कोड है। जैसे ही मैंने स्कैन किया ये सीधा से एक URL लेकर आ गया और चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे मैंने ओपन किया, एक मिनट दोस्तों ये गलती, ये वाला है उसका, ये है। जैसे हम इसको कहाँ पर रीडायरेक्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर था अभी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये कोई शायद कंपनी है, किसी का वेबसाइट है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार और हम इसको स्कैन करते हैं किसी दूसरे URL को। चलिए दूसरे ये फिर से वही स्कैन हो गया। चलिए दूसरे इसको स्कैन करते हैं, ये सारा वही है शायद। एक बार हम फिर से थोड़ा दूसरे करते हैं, एक मिनट। ये जैसे ही ये पकड़ रहा है ना सीधा से सीधा फटाक से स्कैन कर ले रहा है, बहुत ज़्यादा क्विक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसने रीडायरेक्ट कर दिया मुझे और अभी मैं किसी और एक, ये फिर से वही ड्रॉप बॉक्स है। अच्छा मान के चलते हैं इसको हमको ये करना है, ठीक है। तो देखिए हम बैक किया, जैसा स्कैन हुआ ये सीधा एक चाइनीज वर्ड आ गया, हेलो वर्ल्ड, देख रहे हैं ना। फिर से बैक करते हैं थोड़ा सा, फिर नीचे करते हैं, इसको स्कैन करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ दूसरा URL आ गया, देख रहे हैं ना सब चेंज हो रहा है। फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों, किसी नीचे स्लाइड करते हैं, देखिए ये हेलो आ गया, मतलब क्यूआर कोड के अंदर सिर्फ हेलो लिखा गया है, उसके अंदर ये इंक्लूड है बस, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप इसको बहुत तरीके से मल्टीपल तरीके से जो इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा इसका जो है फ़ायदा है। तो अगर अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कितना सिंपल और कितना इजी मेथड था जिसकी मदद से हमने जो है आसानी से अपने फ़ोन से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया या फिर आप भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई सामान खरीद रहे हैं उसमें क्यूआर कोड है तो आप इसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, क्योंकि उसका पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा क्यूआर कोड के अंदर में, ठीक है। या फिर अगर आपने कभी सुना होगा या फिर कभी देखा होगा अपने फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को कि क्यूआर कोड से या फिर फोन पे से या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम से
कोई पे कर रहा है किसी दुकान पे, तो ये भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है जो QR कोड से आप स्कैन करके आप उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है और कमाल का है। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो यूज़ करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों आज का सवाल आपसे यही है कि क्या कभी आपने गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से किसी को पे किया है QR कोड से या फिर नहीं, बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख दो नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाके आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।